मांगू लाली, तुम हमको भी बताती तुम राजस्थानी दाल बाटी कैसे बनाती। ठीक है शेख साहब, हम तुमको भी बताती, तुम कानड़ा खोल के सुनती। सबसे पहले शेख साहब होजा की तरह का गव लेती और उसको मोटा मोटा पिसाती। मांगू लाली, ये होजा किदा लगा गव कहाँ पिसाती? कोरे थने शेख कने वने की दोरे, नेम कोई आदि मानवीस देखा रे, मंद बुद्धि ने अतरी की खबर नहीं पड़े, गव सकी में पिसावे वे। अरे शेख साहब, गेहूं तो बग्गा बाकी सकी में पिसाती। ठीक है मांगू लाली, अब आगे बताती फिर क्या करती। फिर शेख साहब आटा को सानी में सानती और उसमें लून अड़द और सब नागती और थोड़ा घी भी नागती आटा को मोण करने के लिए। फिर क्या करती मांगू लाली? फिर शेख साहब पानी डाल के आटा को हव गूंदती, फिर आटा गूंदने के बाद गोल गोल गेंदों की तरह बाटिया बनाती अल हबीबी, और फिर गोल गोल बाटिया को खा जाती। कई कांदारी जड़ा खा जाती, नहीं जानती तो आगे आगे वेगा वेगा जेम्बा हारू बोलती। आदो अधूरो ज्ञान हुनी रो टोपा, अभी मैंने फसे जू वस में फसी डाला। ओके ओके मांगू लाली और बेरू लाली, मैं बीच बीच में नहीं बोलती, तुम आगे बताती। फदे शेख साहब थेपड़ियां लाती और उनको जमीन पे जमाती और उनमें आग लगाती और थेपड़ियों को जला देती।